जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं यह आपका संवैधानिक अधिकार है, मगर मुद्दों की जानकारी ना रखना, उदासीन बने रहना या मूर्ख बनना यह आपका संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता। दोस्तों, हुआ क्या है कि 3 साल बाद कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान के खिलाफ दिल्ली पुलिस अदालत में मामला दर्ज कर रही है, वो भी देशद्रोह को लेकर। इसकी टाइमिंग पर गौर कीजिएगा दोस्तों, मगर उससे पहले इन पर आरोप क्या है, इन पर आप पहले गौर कीजिए। आरोप यह है कि कन्हैया ने बगैर इजाजत लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। कब? 9 फरवरी को। उस वक्त जो तमाम प्रोटेस्टर्स वहां जमा हुए थे, उन्हें इस बात की इत्तला दी गई कि आपके पास परमिशन नहीं है इस तरह का कोई इवेंट करने की, और तभी अचानक वो बेकाबू हो गए। तीसरी बात, कन्हैया ने उन प्रोटेस्टर्स को लीड किया और फिर नारेबाजी की, और नारेबाजी कौन सी? देश विरोधी नारेबाजी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरह की तमाम चीजें। कुछ चीजों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि पीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन कब तक था? जून 2018। यह गठबंधन उस वक्त टूटा जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास होने लगा कि पीडीपी के साथ रहने से राष्ट्रीय तौर पर उसे किस तरह का नुकसान हो रहा था। उसने अचानक बगैर कोई कारण बताए पीडीपी के साथ साथ छोड़ दिया। वो पीडीपी जिसके अंदर ऐसे कई नेता हैं जिनकी पृथकतावादी सोच है, सेपरेटिस्ट सोच है, बावजूद इसके बीजेपी ने इनके साथ गठबंधन किया। अब जब यह गठबंधन टूट गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि 12 सितंबर 2018 को चार्जशीट में कुछ कश्मीरी लोगों के नाम सामने उभर कर आए। ये कौन से लोग हैं? ये नाम है आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुदीम हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली, खालिद बशीर भट्ट। दोस्तों, जब यह मामला 2016 फरवरी में आया था, तभी से मेरा निजी तौर पर यह मानना रहा है कि जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और उस वक्त चूंकि पीडीपी और इनकी सरकार साथ थी, यह मुद्दा मैं लगातार उठा रहा था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या मोदी सरकार ने कभी उन कश्मीरी युवकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए या उन्हें वो सामने लेकर नहीं आए जिन्होंने इस तरह के देश विरोधी नारे लगाए। इनके नाम कभी सामने उभर कर नहीं आए, मगर जैसे ये गठबंधन जून 2018 को टूटता है, अचानक फिर ये नाम सामने उभर कर आ जाते हैं जिनका नाम इस सेडिशन केस में भी दर्ज है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, जरूरी नहीं है कि इन्होंने ही वो देशद्रोही नारे लगाए होंगे, क्योंकि इस देश में होता क्या है कि कश्मीरी मुसलमानों के नाम पर आप कुछ भी कह दो, उन्हें किसी भी तरह की यातना दे दो, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि चार्जशीट में कहा गया है कि कन्हैया आगे आए, उनका आर्ग्यूमेंट हुआ सिक्योरिटी पर्सनल के साथ और उन्होंने इस मॉब का नेतृत्व किया और देश विरोधी नारे लगाए। दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि कई बार गोदी मीडिया के हवाले से कन्हैया के वीडियोस को बाकायदा डॉक्टर करके फर्जीवाड़ा करके गलत ढंग से पेश किया गया और फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में साबित हुआ है। आज तक ऐसा कोई वीडियो सामने उभर कर नहीं आया जिसमें कन्हैया जो है वो देश विरोधी नारे लगा रहा होगा। कन्हैया ही नहीं, उमर खालिद का भी ऐसा कोई वीडियो सामने उभर कर नहीं आया जिसमें वो भारत को तोड़ने के नारे लगा रहा हो। और उमर खालिद के खिलाफ तो क्या प्रोपेगेंडा चलाया गया। जी हां, मीडिया का एक धड़ा उनके खिलाफ यह प्रोपेगेंडा चला रहा था कि यह बंदा पाकिस्तान गया, उसने वहां से ट्रेनिंग ली और फिर वो वापस आया। यानी कि अगर आप एक मुसलमान हैं, आप एक वामपंथी हैं और अगर आप जेएनयू में पढ़ते हैं तो आपके खिलाफ कुछ भी कह दिया जाएगा आपके लिए, और आपको देशद्रोही बताना काफी है इस तरह से। दोस्तों, आपको इस मामले की हकीकत समझनी होगी। मैंने शुरुआत में आपसे क्यों कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देना आपका संवैधानिक अधिकार हो सकता है,
मगर मूर्ख बनना आपका संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता है। इसके तीन बड़े कारण हैं क्यों अचानक यह मामला अब सामने उभर कर आया है। जनवरी का महीना है, इस वक्त सियासत गर्म है, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है, बिहार में क्या हो रहा है दोस्तों, एक तरफ नीतीश, पासवान और मोदी हैं तो दूसरी तरफ कौन है, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी। अब कन्हैया जो हैं उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, यानी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये खबर भी आ रही है कि वो वामपंथी दल की समर्थन से और शायद कांग्रेस और आरजेडी के साथ किसी तरह का तालमेल भी हो सकता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि सबसे पहले तो इस मुद्दे के जरिए, इस सेडिशन केस के जरिए कन्हैया के राजनीतिक एम्बिशंस को टारगेट करना। दूसरा बात, कन्हैया के जरिए आप घेरे में किसे ले रहे हैं, आप घेरे में ले रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव, कांग्रेस और उस पूरे गठबंधन को, देखा ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए हैं। और तीसरी बात, अब इस मुद्दे पर आप देखिएगा किस तरह से न्यूज चैनल्स में एक बार फिर देशद्रोह बनाम देशभक्ति की डिबेट शुरू हो जाती है। आप देखिएगा, क्योंकि जब फरवरी 2016 में यह मामला सामने उभर कर आया था तब जिस तरह की डिबेट हुई थी, जिस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें गलत वीडियोस तक पेश किए गए थे, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी उसी तरह का फायदा जो है अब चाहती है इस सेडिशन केस के जरिए। जी हां, इस सेडिशन केस के जरिए जिसमें अभी ढेरों लूप होल्स दिखाई देते हैं। और दुख की बात यह है कि फर्जीवाड़ा करने में मीडिया ने उस वक्त बीजेपी की मदद की थी। ये एक छोटी सी मिसाल देखिए, ये एक चैनल है जिनके मालिक बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने एक वीडियो चलाया जिसमें उन्होंने बाकायदा दिखाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मगर जब इसकी हकीकत सामने उभर कर आने लगी और जब यह पता चला कि इस वीडियो में ये जो शख्स दिखाई दे रहा है वो एबीवीपी का कार्यकर्ता है, तब इसी चैनल ने यू टर्न लेते हुए ये कहा कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए, नारे लगाए गए भारतीय कोट जिंदाबाद के। ध्यान से सुनिए इन आवाजों को, ये लड़का जिंदाबाद के नारे तो लगा रहा है लेकिन वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारतीय कोट जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। एक ही चैनल, एक ही वीडियो और दो नारे एक तस्वीर को लेके, तो यह खेल चल रहा था उस वक्त दोस्तों, और उसी तरह के खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूरे दावे, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं बोल के लब आजाद हैं तेरे कि टारगेट तो किया जा रहा है कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान को, मगर इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी सियासत चमकाने में लग रही है। फैसला आपको करना है दोस्तों, फैसला आपको करना है कि हम असल मुद्दों पर वोट देंगे, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, सरकार की छीछा लेदर हो रही है हर मुद्दे पर। सेलेक्ट कमेटी ने जिस तरह से आलोक वर्मा का स्थानांतरण किया, सेलेक्ट कमेटी के मेंबर थे जस्टिस सीकरी, अब यह खबर आई कि किस तरह से कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट में उन्हें रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग दी जा रही थी, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा सामने उभर कर आ रहे हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर फर्जीवाड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार फिर वही बातें होंगी, अफजल प्रेमी देश गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। फैसला आपका है दोस्तों, हम तो सिर्फ आपको आगाह कर सकते हैं, हम तो सिर्फ आपके सामने तथ्य ला सकते हैं। तो बोल के लब आजाद हैं मैं बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत और आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और न्यूज़ क्लिक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।